ड्यूरिंग द टूडेज लेक्चर आई विल बी ब्रीफिंग यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिकल थेरीज एंड वाई इट वॉज मैंडेटरी कि हम ऐथिकल थेरीज की इनाग्रल के ऊपर उसके बनने के ऊपर उसकी बहुत सारी बेसिक फाउंडेशन के ऊपर बात करें बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी सिम्पल थिंग ये कुछ इतना आसान नहीं है कि हम एक एथिकल थेरी को किस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ करेंगे और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम उस एथिकल प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली एथिकल प्रिंसिपल्स आर द फॉर्मल स्टेटमेंट्स अबाउट वट वी ऑट टू डू लेक अगर हमारे पास एक से ज़्यादा थेरीज हैं जो भी हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे तो किस सिचुएशन में किस थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव में हमने अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है सो द वेरी प्रिंसिपल ऑफ एथिकल थेरीज इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन डिसीजन जो रिसर्चर का डिसीजन है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा कि वो कौन से एथिकल uh, थेरी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है और अगर वो नहीं फॉलो कर रहा तो किस तरह का एथिकल डायलिमा जो है वो वजूद में आ रहा है एथिकल थेरीज ऑल्सो प्रोवाइड अ क्लियर यूनिफाइड अकाउंट ऑफ वर्ट अवर एथिकल ऑब्लीगे आर सो वेल वाई लुकिंग इन टू द डिटेल्स इन अपकमिंग लेक्चर आपको इसकी और भी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि डिसीजन मेकिंग की फॉर्मूलेशन के लिए किस एथिकल रूट को फॉलो करने से क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं Uh, because this theory represents the viewpoint from uh, different angles from which individuals seek guidance. so consequently, onkaji decisions have on ethical principles may change. Hote hain. now this is very crucial to understand that all of these theoretical foundations are correct. if we are going to opt for one and we are going to opt for another one, in situation may uh, ethical uh, jo hamari guidelines hain, wo to meet ho rahi लेकिन जो डिसीजन हम कर रहे होंगे अपने रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स के लिए वो डिफरेंट होंगे सो so, अब किस सिचुएशन में हमें किस एथिकल थेरी uh, को फॉलो करना है ये रिसर्चर की कंपिटेंसी के ऊपर बेस करता है कि उसको नॉलेज हो अबाउट द फाउंडेशन ऑफ ऑल एथिकल रिसर्चेस और वो उसमें से बेस्ट थेरी जो है वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सके ईच थेरी एम्फोसाइज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज आई सेट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स और डिसीजन रूल सच एज प्रिडिक्ट आउटकम सो फॉलोइंगस ड्यूटी इज टू डेट कि उस सिचुएशन में जो पर्टिकुलर रिसर्च वो कंडक्ट कर रहा है जो बेस्ट पॉसिबल एथिकल थेरीज उसको फॉलो करनी चाहिए वो सिर्फ उन्हें ही ऑप्ट करे और जब तक उसके पास एक कम्पिटेंसी या नॉलेज नहीं होगा अबाउट ऑल ऑफ दैम वो एक बेहतर चॉइस नहीं कर सकता और एक कुरेक्ट डिसीजन तक नहीं पहुँच सकता और इंडिविजअल्स द एथिकल थियरी दे अप्लाई फॉर डिसीजन मेकिंग गाइडेंस emphasize aspects of ethical dilemma important to them and it leads them to the most ethically correct resolution according to the guidelines within the ethical theory itself now when i am going to give you the briefing about all four kinds of uh, sub theories and details so you will be better understanding my uh, point of view ethical theories our decision making ko impact सो नाउ फॉर्मली लुकिंग द फॉर्म्स ऑफ एथिकल थेरीज जिनके मैं आपको आज नेम्स ब्रीफ करूँगी कि फोर ब्रॉड कैटेगरीज जो एथिकल थेरीज के हैं दे आर डिनोलोटोलॉजी दे आर द यूलटेरियनिज्म दे आर दाइड्स एंड दे आर द विचूस द फोर आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर और इन सब का अपना एक बैकग्राउंड है एक फाउंडेशन है एक अंडरस्टैंडिंग है और इसमें से जिस रूट को भी फॉलो किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग Uh, आपका रिसर्चर का जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है वो भी डिफरेंट हो जाएगा सो so, अब इनको डिटेल में एलाब्रेशन में समझने के लिए वी विल बी गोइंग टू लुक इन टू डिटेल इन टू नेक्स्ट लेक्चर